अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हमने ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की डिस्कशन की थी। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की डिस्कशन में हमने कौन कौन सी चीज़ देख ली थी। बैसिलस देख लिया था, क्लॉस्ट्रिडियम के चार टाइप्स देख ली थी। उसके बाद तीसरा हमने जो जिक्र करना है वो लिस्टेरिया की बात करनी है। लिस्टेरिया थोड़ा सा यूनिक है कि ये अभी तक जितने हमने ग्राम पॉजिटिव आपके रॉड पड़े हैं तो अभी तक जितने टोटल हैं, टोटल पांच टाइप्स हैं ना, उन पांचों में से सिर्फ ओनली लिस्टेरिया है जो कि मोटाइल है। या आपका एमसीक्यू भी आता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव रॉड है जो मोटाइल है, तो आपने लिस्टेरिया बताना है। क्योंकि इसकी मोटिलिटी जो होती है ना, वो इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं टम्बलिंग मोटिलिटी इसकी। उसके बाद ये जो है ना छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, स्मॉल ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं और इनके अरेंजमेंट जो होती है ना वी और एल फॉर्मुलेशन में होती है। वो मैंने आपको बताया था, ऐसे ऐसे करके रॉड्स जुड़ जुड़ के ना वी शेप बना रहे होते हैं, ठीक है, या फिर एल फॉर्मुलेशन बना रहे होते हैं ऐसे करके, ठीक है, वी और एल फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनकी मोटिलिटी होती है टम्बलिंग मोटिलिटी। उसके बाद हमने पीछे जिक्र किया था कि आपके पास कौन सा था, क्लॉस्ट्रिडियम प्रोफिंजियम था जो डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस कर रहा था। अब ये जो होगा ना, इसने डबल जोन नहीं बनाना, इसने ब्लड डैगर पे बीटा हिमोलिसिस शो करनी है, ठीक है। बीटा हिमोलिसिस आपने पहले कहां पढ़ी है, स्ट्रेप्टोकोकाई में मैंने आपको बताई थी बीटा हिमोलिसिस। आपके पास स्ट्रेप एग्रेटिशिया और जो ग्रुप ए ग्रुप बी बनाए थे वो वहां पे हमने डिस्कस की थी, बीटा हिमोलिसिस का जिक्र किया था। उसके बाद हमने स्टेफ ऑलिस में भी जिक्र किया था, ठीक है। उसके बाद था कि ये कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है, इनकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है जो ये हमने बतानी है। अच्छा, हमने कहा था कि पांच पॉइंट हमने डिस्कस करने, उसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। पहला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसने कराना क्या है, इसने मेनिनजाइटिस कराना है और सेप्सिस कराना है, ठीक है। दम, ये जो मेनिंजीज होती है ना ब्रेन की, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है मेनिनजाइटिस। सेप्सिस मतलब ब्लड में स्प्रेड, उसका वो सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी पैथोजेनेसिस का। पैथोजेनेसिस में ना क्लिनिकल सेटिंग में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं किन किन लोगों में हो सकता है और ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी। यहाँ हम ट्रांसमिशन की बातें पहले देख लें। ट्रांसमिशन की बातों में देखना है कि ये जो है ना न्यू बॉर्न के अंदर हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज अडल्ट में हो सकता है, ठीक है। न्यू बॉर्न में जब भी होगा ना ये, तो उसमें कैसे आया, उसमें माँ से आएगा हमेशा। ट्रांसमिशन अक्रॉस प्लेसेंटा, ये ट्रांसमिशन का पॉइंट हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के दौरान वो उस बच्चे में गया है। उसके बाद प्रेग्नेंट मदर में हो सकता है इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके बाद नेक्स्ट जो बात है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट्स में, जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके ऑब्वियसली इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई होती है तो उनके अंदर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चार पॉइंट्स है ना ये आप ट्रांसमिशन में भी बता सकते हो। उसके बाद पैथोजेनेसिस में इसकी डिजीज आती है जिसको हम कहते हैं लिस्टेरियोसिस, ठीक है, लिस्टेरियोसिस करवाता है ये। अब लिस्टेरियोसिस में क्या होगा कि होता किस वजह से, ये फूड बॉर्न डिजीज होती है, खाने से ये स्प्रेड हुई है। ये उन्होंने क्या कैसे हुई है, अनपास्टराइज मिल्क होता है, मीट होता है या वेजिटेबल्स होती है जिनको साफ नहीं है, रॉ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, अनपास्टराइज मिल्क है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लड बॉर्न डिजीज है, फूड बॉर्न डिजीज है, तो फूड के जरिए ये एंटर हो जाएगी आपके जीआईटी में, तो वहां जाएगी तो आपके कोलन के अंदर ये बैक्टीरिया अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कोलन में अपीयर हो सकते हैं। उसके अलावा ये कोलोनाइज कर सकते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक को। फीमेल जेनिटल ट्रैक को जब कोलोनाइज करेंगे ना, तो तब ये क्या करेंगे, फीटस को अफेक्ट करेंगे और क्या कहते हैं कि इनफेक्ट फीटस, अगर मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो क्या करेंगे, फीटस को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। और क्या, जब ड्यूरिंग डिलीवरी पैसेज के जरिए फीटस जब पास होगा बर्थ कैनाल से, तब ये फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी पैथोजेनेसिस जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कितनी है सर्वाइव करने की और इन्वेड करने की विद इन द सेल्स। बेशक वो कोलन के सेल हैं या फिर फीमेल जेनिटल ट्रैक के सेल हैं, तो उसमें उसकी एबिलिटी कितनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास इन्वेजन जो करवाता है, मैंने बताया ना उसकी एबिलिटी टू सर्वाइव एंड इन्वेड। अब इन्वेजन की हमने बात करनी है, इन्वेजन मीडिएट कौन कराता है, कि लिस्टेरिया के पास ना एक इंटरनलिन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है, इंटरनलिन प्रोटीन ने क्या करना है, जो ह्यूमन सेल की सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ई कैडहेरिन के साथ जाके उस इंटरनलिन ने बाइंड कर जाना लिस्टेरिया की। और जब उसने उसके साथ ऊपर बाइंड करना है ना, तो तब उसने जो है ना उन सेल्स को अफेक्ट करना है, ठीक है। और जब ये एंटर होगा ना सेल के अंदर, अब देखो इंटरनलिन ने इसके साथ बाइंड किया तो सरफेस सेल की सरफेस के ऊपर बाइंड हो गया। अच्छा,
अब उसने क्या करना है, एंट्री के बाद उसने करना है ऑर्गेनिज्म ने लिस्टीरियोलाइसिन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है या एंजाइम समझ लें लिस्टीरियोलाइसिन सेल के अंदर जाके, ठीक है, ई के एडहेरिन के साथ बाइंड करके उसने सेल के अंदर चल जाना, इंटरनलाइज हो जाना सेल के अंदर। अंदर जाके इसने क्या कराना है, लिस्टीरियोलाइसिन प्रोड्यूस करानी है, और लिस्टीरियोलाइसिन जो होगा वो पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा लिस्टीरिया जो होता है वो सेल के अंदर ग्रो करता है, इंट्रा सेलुलरली ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बारे में, उसमें देखना है हमने ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ किसी बंदी को तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस बंदी पे क्या इफेक्ट्स होंगे, अबॉर्शन हो सकता है उसका, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और सेप्सिस हो सकता है। उसके अलावा न्यू बॉर्न कैसे इफेक्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे को क्या हो सकता है, एक्यूट मेनिनजाइटिस हो सकता है क्योंकि मेनिनजिस तक पहुंच सकता है और ब्लड स्ट्रीम तक भी जा सकता है। उसके बाद इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में क्या कराएगा, सेप्सिस और मेनिनजाइटिस ही कराएगा। और मैंने आपको बताया कि इसने कोलन वगैरह को, जीआईटी ट्रैक को भी इन्फेक्ट करना है, और जब वहां पे इफेक्ट करेगा तो वहां पे इसने क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कराने हैं, वाटरी डायरिया कराना है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाली जो डिजीज ने कॉज करानी है उसमें वाटरी डायरिया आता है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसमें फीवर, हेडेक, माइल्जिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैब डायग्नोसिस का। लैब डायग्नोसिस में हमने स्वैब कहाँ कहाँ से लेने हैं, वजाइनल स्वैब और फीसिस, ये एज अ सैंपल हमने यूज करने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ग्राम स्टेनिंग करनी है, तो हमें पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है। माइक्रोस्कोपी करेंगे तो रॉड्स जो कि डिप्थेरियॉइड से मिलते जुलते होते हैं, उसके अलावा माइक्रोस्कोपी में आपको नजर आएगा कि मूविंग होंगे ये, टम्बलिंग मोटिलिटी इनकी, ये आपको इसमें नजर आ जाएगी, टम्बलिंग मोटिलिटी माइक्रोस्कोपी में नजर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसका कल्चर का, तो कल्चर में हमने देखना है कि इसकी ग्रे कलर की कॉलोनीज होती हैं, और जिन्होंने नैरो जोन ऑफ हिमोलिसिस बनाना होता है, बीटा हिमोलिसिस का, जिसको हम कहते हैं कि उसने ब्लड डैगर पे ये ग्रे कॉलोनीज बनानी है और हिमोलिसिस का जोन बनाना है। उसके बाद लैब डायग्नोसिस में हम इसको कौन सा टेस्ट करते हैं, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म कर देता है। यहां तक हमारा लिस्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।